हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अर्चना फैशन डिजाइनर। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो देखिए गाइस, एक बुनाई डिजाइन लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान सा बुनाई डिजाइन है, बिगनर फ्रेंडली। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो इस डिजाइन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए जो है आपको 4 के मल्टीपल में स्टिचेस लेने होंगे, यानी कि 4 के कोने में आपको फंदे लेने होंगे। कोई फंदा एक्स्ट्रा नहीं रखना है और 4 सलाइयों में डिजाइन बनके कंप्लीट हो जाता है। जो 4 सलाइयां बताऊंगी ध्यान से देखिएगा, एक भी रो स्किप मत कीजिएगा। डिजाइन पैटर्न की जो फर्स्ट रो होगी वो हम फ्रंट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो अभी देखिए मैं अपनी फ्रंट साइड पे हूँ, यानी कि सीधी तरफ। तो मैं पहला फंदा ऐसे एज स्टिच का सीधा बना लूंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए दो दो फंदों पर ये डिजाइन बनाएंगे। तो ये जो दो फंदे हैं इन दोनों के जस्ट बगल से यहाँ से हम एक लूप बनाएंगे। ऐसे ऐसे हमने एक लूप बनाया। इसके बाद धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, दो फंदा हम उल्टा बना लेंगे, 1 और ये 2, ठीक है। धागा पीछे लेकर जाएंगे, दो फंदा सीधा, 1 2। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो 4 फंदे हमने बनाए, एक तो ये एक्स्ट्रा फंदा है ना, एज स्टिच को छोड़कर जो 4 फंदे बनाए वही रिपीट करेंगे। तो देखिए दो फंदों के जस्ट बगल से एक लूप बनाया, ऐसे धागा अपनी तरफ लाए, अब दो फंदा उल्टा, 1 2। धागा पीछे ले जाएंगे, दो फंदे सीधे, ठीक है। यही करेंगे फिर से, धागा धागा वही रहेगा। एक लूप निकालेंगे पहले तो इस तरह से, फिर धागा अपनी तरफ लाके दो फंदा उल्टा, 1 2। धागा पीछे, दो फंदा सीधा, 1 2। फिर देखो यहाँ से एक लूप बनाएंगे लास्ट में, फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा, एज स्टिच को सीधा बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे रो नंबर 2 पर आएंगे, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। अब देखिए यहाँ ये 3 फंदे बन गए, एक एक्स्ट्रा फंदा है। तो पहला फंदा तो आप देखिए इस तरह से उल्टा बना लीजिए, 1। उसके बाद 2 का 1 कर देंगे उल्टा बनाते हुए, फिर 2 फंदा नॉर्मली उल्टा बनाएंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर देखो 1 फंदा उल्टा, फिर 2 का 1, फिर 2 फंदा उल्टा, जो फंदा हमने उधर से सीधा बनाया था वो उल्टा, फिर 1 फंदा देखो ऐसे उल्टा बनाएंगे और 2 का 1 कर देंगे, फिर 2 फंदा उल्टा, फिर 1 फंदा उल्टा और 2 का 1। ये लूप वाला जो फंदा है लास्ट में 2 का 1 कर देंगे, ये देखिए। तो इस तरह से हमने ये 2 सलाइयों बना के कंप्लीट किया। अब ये जो डिजाइन बन के आया है, ये वाला डिजाइन, अब इन 2 फंदे जो हमने सीधे बनाए थे इधर बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो 2 फंदे डिजाइन वाले हैं, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, अब यहाँ पे 2 फंदा पहले सीधा बना लेंगे, अब यहाँ से लूप बनाएंगे। ये जो 2 फंदे सीधे बनाए थे इस पर लूप बनाएंगे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2। धागा पीछे ये डिजाइन के ऊपर, 2 फंदा सीधा, अब यहां से एक लूप बनाएंगे, धागे को इस अपनी तरफ लेकर आएंगे, खींचेंगे और सॉरी 2 फंदा उल्टा, ठीक है। फिर देखिए 2 फंदा सीधा, अब फिर से एक लूप बनाएंगे यहां पे ये ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, एज स्टिच भी सीधा बनाएंगे। अब रो नंबर 4 पे आ जाएंगे। रो नंबर 4 रो नंबर 2 की तरह ही बनेगी। पहला फंदा स्लिप करके 2 फंदा हमने सीधा बनाया था उनको उल्टा बना लेंगे, फिर ये लूप वाले 3 फंदे इसमें से 1 फंदा पहले सिंगल उल्टा बनाएंगे, फिर 2 का 1 कर देंगे, फिर 2 फंदा उल्टा, इसी तरह से बनाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा मेकअप वाला चैनल नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। उस वहाँ पे मैं DIY स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप ट्यूटोरियल के वीडियोस बनाती हूँ, तो एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है कोई ना कोई वीडियो आपके काम का हो। तो प्लीज़ मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्यार सपोर्ट दीजिएगा अपना, जैसे आप लोगों ने मेरे इस चैनल को दिया है वैसे उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से हमने रो नंबर 4 बना के कम्प्लीट कर ली। तो देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बन के आया है 4 सलाइयों में। इसे आप और ज़्यादा फंदों पर बनाएंगे, देखो इस तरह से ये डिज़ाइन दिखाई देने लगेगा, बहुत खूबसूरत बनता है। ये देखिए बहुत प्यारा डिजाइन है। इस डिजाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में डालिएगा, बच्चों के, बड़ों के, जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, स्कार्फ, मफलर, जैकेट, ब्लैंकेट,
हर जगह बहुत खूबसूरत बन के आएगा। तो इस डिजाइन को ट्राई जरूर कीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फ्रंट साइड से ऐसे दिखता है, रॉन्ग साइड से इस तरह से दिखाई देता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना सभी लोगों के साथ। चैनल पर पहली बार आए, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल बटन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।